जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, किसी एक भगत का जो है सवाल आता है हमारे पास। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की गदा जो होती है, क्या वो घर में रख सकते हैं, या फिर हनुमान जी की गदा के क्या क्या जो है लाभ है। लाभ हो सकते हैं, क्या क्या जो है हम उनका यूज कर सकते हैं, किस तरीके से उठा सकते हैं उन चीजों का लाभ। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। जय माता। हनुमान जी की गदा से मैं आज आपको चमत्कारी लाभ बताऊंगा। इस गदा से आपको प्राप्त होगी हर प्रकार की कृपा। आपके घर में दुख दर्द कोसों दूर भागता नजर आएगा। और इससे आपको किसका प्रयोग कैसे करना है, किस प्रकार से आपने इसको चलाना है, अपने घर में अगर कोई दुष्ट आत्मा है तो उसको भी कैसे भगाना है, और दूसरी बात यह है कि इस गदा से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है लाभ। मैं कह रहा हूं कि क्या नहीं प्राप्त होता हनुमान जी की, जो अगर आप चाहते हो कि हनुमान जी की जो गदा है वो काम करे। लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हनुमान जी की गदा का लोग किट बना लेते हैं, हाथ में भी कई लोग डाल लेते हैं, कहीं छल्ले में बना लेते हैं। इस प्रकार का प्रयोग ना करें तो ज्यादा बढ़िया है। मैं आज आपको हनुमान जी की गदा से ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं कि इस उपाय से आपके घर के अंदर बहुत सुख शांति प्राप्त हो जाएगी। आपको कुछ लगेगा कि वाक्य में जो गुरु जी ने बताया है वो काम कर रहा है। क्या करना है, हनुमान जी की गदा को किस प्रकार से प्रयोग में लाना है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। आपने हनुमान जी की एक चांदी की गदा बनवानी है। इस साइज की हो जाए, हल्के में हो जाए, चाहे अंदर से थोड़ी सी थोती हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से वो हो जाए, भारी ना बने, अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसे भी आपको लगता है, चांदी की। अब उस गदा को जब आप ले आओगे, ले आने के बाद आपने 108 हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ने हैं जिस दिन पूर्णिमा है। पूर्णिमा पे ही गदा का आपने जो है उसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा करनी है, शक्ति मान लो उसमें स्थापित करनी है, हनुमान जी की कृपा उसमें स्थापित करनी है। अब उसका प्रयोग भी आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से करना है। जब दिन आप करोगे तो हनुमान जी को पंचामृत में स्नान कर, इस गदा को पंचामृत में स्नान कर आपने सीताराम की माला का जाप कर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर। अब ये मत कहना कि आपसे 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी चीज को प्रयोगशाली में लाना है तो कभी क्या बार क्या होता है कि आप घर के चार आदमी भी मिलकर भी इस पाठ को पूर्ण कर सकते हो, गिनती लिख सकते हो कि पूरे परिवार ने, क्योंकि लाभ तो पूरा परिवार ही लेगा, तो पूरा परिवार भी मिलकर इसमें सहयोग कर सकता है। तो आपने क्या करना है, उस दिन आपने ये कार्य कर दिया, और एक हनुमान चालीसा का आप दशांश हवन भी कर सकते हो, जैसे कि एक एक चुपाई को आप बोल सकते हो, नासे रोग हरे सब पीरा स्वाहा, समझ, इस प्रकार से आप ले सकते हो प्रयोग। उसके बाद आपने एक सीताराम की माला से आपने इस मंत्र का आपने सीताराम की माला से जाप करना है, ओम सीताराम या सीताराम की माला आपने जपनी है, और प्रभु श्री राम के श्री चरणों में पहले इस गदा को लगाना है, और उसके बाद माता रानी की भी प्रार्थना करनी है, और हनुमान जी के श्री चरणों में ये गदा रखनी है, हनुमान जी के स्वरूप के आगे। अब जब ये गदा आपकी रख दी जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, और ये आपने वचन करने हैं कि मैं इस गदा का इस्तेमाल जो है कभी गलत कार्य के लिए नहीं करूंगा, अपने परिवार की स्वयं की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने घर की रक्षा के लिए ही इसका प्रयोग करूंगा। आपने अब क्या करना है, अब जब भी आपने इस गदा का प्रयोग करना है, किस प्रकार से करना है, डेली भी आप इस गदा का प्रयोग कर सकते हो, अगर डेली नहीं, अगर आप हनुमान जी की पूजा डेली कर रहे हो तो डेली भी कर सकते हो, अगर आप मंगल शनि को कर रहे हो तो मंगल शनि को भी कर सकते हो, और अगर आप, ये आपके ऊपर बात है कि जब जब आपने इसको उठाना है उसी प्रकार से क्या क्या प्रयास करने हैं, किस किस मंत्र का जाप करना है। जब आपने गदा को उठाना है तो ओम सीताराम की माला का जाप कर आपने, या ओम सीताराम या सीताराम की माला का जाप कर गदा को आपने उठाना है, और उठाकर उसके बाद जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूं उस मंत्र से आपने अपने घर के अंदर गदा को घुमाना है ऐसे। और वो मंत्र क्या है, मंत्र है ओम श्री राम दुताय नमः। ओम श्री राम दुताय नमः का जाप करना है आपने,
इस मंत्र को भी आपने उस दिन भी वाच करना है इस मंत्र का जिस दिन आप गदा को आप अभिमंत्रित करोगे। इस मंत्र से एक माला का जाप कर सकते हो, दो माला का कर सकते हो, 11 माला का कर सकते हो, ये शक्तिशाली मंत्र है। अब अपने घर के अंदर जब भी आपको लगता है इस गदा को, अपने हर रूम के अंदर, हर कमरे के अंदर, आपको अगर लगता है कि आपको बेड पे सोने के बाद गल सोपन आते हैं तो अपनी बेड पर भी आप टच कर सकते हो 3 बार, और अपने ऊपर से 7 बार भी आप वार सकते हो और हनुमान जी के श्री चरणों में। ये एक चमत्कारी गदा जो है आपको प्राप्त होगी और आपके जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, अगर कोई मांगलिक कार्य के लिए जा रहे हो, कोई कोर्ट कचहरी के लिए जा रहे हो, तब भी आपने अपने ऊपर से 7 बार वार कर अपनी दोनों आंखों पे और अपने मस्तिष्क पर आपने लगाना है कि हे बाबा अपनी कृपा मेरे साथ भेजिए। आप ये मत सोचिए, आप ये सोच के देखिए कि जब भगवान श्री राम ने धरती पर अवतरित हुए थे तो उसमें क्या था। जब भगवान श्री राम धरती पर अवतरित हुए थे ना, तब उसके अंदर श्री लक्ष्मण जी जो थे वो किसके अवतार थे, शेषनाग के, और जो भरत थे वो किसके अवतार थे, आप इस कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि भरत किसके अवतार थे। इसी प्रकार से जब हनुमान जी धरती पर अवतरित हुए तो जो उनके जो गदा है वो किस मानो क्या है, वो त्रिशूल ही है महादेव का, ये बात आज सुन लेना। तो आप सोच के देखिए कि जब आप किसी, क्योंकि कोई अस्त्र होता है और कोई शस्त्र होता है, अब किसी की विद्या का सम्मान होता है और अगर उस विद्या से अगर हमारे को लाभ उठाया जाए, जो ब्राह्मण लोग हैं तो मंत्र जो है उनकी विद्या है, उनकी शक्ति है, मंत्र से वो बहुत कुछ ऊर्जा जागृत कर देते हैं। उसी प्रकार से अब जो फौज में जो फौजी रहते हैं वो भी आपने देखा होगा कि जब राइफल में उसका पूजन करते हैं हथियारों का, तो आपको पता होगा कि जो हनुमान जी की जो ये गदा है इसका सम्मान कर कर अगर आप चलोगे तो आपके घर में, वैसे नहीं गोस्वामी बोलते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप सोचो कि महावीर का नाम लेने से ही सब काम हो रहे हैं, तो आप तो गदा घुमा रहे हो बल्कि, और जब गदा घूम गई, बालाजी का सोटा घूम गया ना सत्संग में, तो भूत भी किलकारी मांगता है। तो आप यही बात सोच के देखो कि जब आपके घर में गदा का प्रकोप घूमेगा तो घर में भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे कहीं भी, और किसी प्रकार का रोग नहीं रहेगा और सुख शांति आपके घर में सदैव वास करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। और अगर आपको कोई टॉपिक रहता है मन में, ऐसा लिखिए कि जिस कल्याण, जिस जन का कल्याण हो। ये जो नंबर इसके अंदर दे रखा है वो व्हाट्सएप पर भी चलता है, और श्री बालाजी महाराज की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। जय माता।